अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, एकाकी व्यापार है आपका, उसकी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, आपको उसमें पूंजी की आवश्यकता है। जैसे जैसे आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, एकाकी व्यापार है, वो जैसे जैसे इसका आकार, जो इसका साइज है, इसका जो स्तर है, इसका जो लेवल है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो आपके लिए अधिक पूंजी की, कैपिटल की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, प्रबंध की, ठीक है, प्रबंध की जरूरत होती है। उसमें जो रिस्क भी ज्यादा हो जाता है, जैसे जैसे व्यापार का आकार बढ़ता है तो उसका रिस्क यानी जोखिम भी बढ़ता चला जाता है, और कंट्रोलर मैनेजमेंट के लिए भी, कंट्रोलर मैनेजमेंट की भी व्यवस्था करनी होती है। तो जैसे जैसे काकी व्यापार का साइज, लेवल, कैपिटल अधिक जरूरत पड़ती है, साइज बढ़ जाता है, लेवल ज्यादा हो जाता है, मैनेजमेंट जो है उसकी आवश्यकता हो जाती है अधिक मैनेजमेंट की, और एक अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता हो जाती है, तो अकेले डील करना एक एकाकी व्यापार के से पॉसिबल नहीं है, उसके कैपेसिटी के बाहर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो आप एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति जो है, एक और इंडिविजुअल पर्सन से एक एग्रीमेंट के तहत, इंडिविजुअल पर्सन के साथ किसी को अपना साझेदार बना लीजिए, इंडिविजुअल पर्सन को अपना एक पार्टनर उसको बना लीजिए, अपना बिजनेस पार्टनर बना लीजिए, ठीक है। और बिजनेस पार्टनर बनाकर अपना जो भी व्यापार की आवश्यकता है, ये सब जो भी आवश्यकता है व्यापार की, इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो भी बनेगा नया बिजनेस का जो फॉर्म बनेगा, बिजनेस का जो नया फॉर्म बनेगा, वो जो है न्यू बिजनेस जो फॉर्म होगा, फॉर्मेशन, नए संगठन का जो रूप बनेगा वो होगा पार्टनरशिप, ठीक है। तो इस तरह से साझेदारी में अब आप दो लोग आ गए, मिस्टर ए और मिस्टर बी। आप ही क्लास 12th को पास करो, और पास करने के बाद आप बिजनेस प्रारंभ करना अगर चाहते हो, तो अगर आप दो लोग मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हो, तो ये कहा जाएगा कि आपने दो लोग मिलकर व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, बिजनेस साथ में स्टार्ट कर रहे हैं ज्वाइंटली, तो प्रॉफिट्स को बांटने के लिए, लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट्स को, लाभ को बांटने के लिए, तो कहा जाएगा कि आपने पार्टनरशिप फॉर्म किया, ठीक है, क्या पार्टनरशिप फॉर्म किया। तो इस तरह से पार्टनरशिप का, साझेदारी का निर्माण होता है, और ये आप लोग मिलकर व्यवसाय को चलाएंगे साथ में, या आप लोगों की तरफ से कोई एक भी ऑपरेट करेगा, और लाभ हानि का बंटवारा आप लोग साथ आपस में करेंगे कि बराबर बराबर बांटना है, कि किसी रेशियो में, किसी अनुपात में बांटना है। जैसे 10 रुपया अगर प्रॉफिट है, या 100 रुपया प्रॉफिट है, तो 60 रुपया मिस्टर ए लेगा, और 40 रुपया मिस्टर बी लेगा, या फिर 50 रुपया मिस्टर ए, 50 रुपीज और 50 रुपीज मिस्टर बी। तो जो स्पेसिफिक रेशियो है या इक्वल रेशियो है, इसमें आपस में लाभ हानि को बांटने का अपना एक एग्रीमेंट कर लेंगे, समझौता एक बना लेंगे, ठीक है। तो आपसी समझौते द्वारा आपका जो भी, आपका क्या अधिकार रहेगा, मिस्टर बी का क्या अधिकार रहेगा, और क्या कर्तव्य रहेगा, यानी क्या राइट्स रहेगा आपका, क्या ड्यूटीज रहेगा, अधिकार और कर्तव्य, इन सब का अपना एक समझौता तैयार कर लेंगे, आपसी समझौता, ठीक है, आपसी समझौता। तो दो व्यक्ति या दो से अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं, दो से अधिक व्यक्ति द्वारा जो है सो व्यवसाय को चलाने के लिए, आपस में लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और साझेदार के जो भी अधिकार हैं, यानी आपके दो मिस्टर ए, जैसे कि मिस्टर ए यहाँ एग्जाम्पल में है, मिस्टर ए और मिस्टर बी का जो अधिकार और कर्तव्य है, वो सब आपसी समझौते के द्वारा तय होगा, ठीक है। और इनके बीच अगर मान लीजिए आपसी समझौता नहीं है, ये जो एग्रीमेंट है, ये आपसी समझौता अगर इनके बीच में नहीं है, तो फिर वहां पर कुछ प्रोविजंस लागू होंगे। किसके प्रोविजंस? तो अधिनियम बनाया गया है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो है सो प्रोविजंस लागू हो जाता है। तो अगर साझेदारी समझौता नहीं है आपके बीच, तो फिर वहां पर साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हो जाएगा। ये अधिनियम में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, वो सारे प्रोविजंस समझौते के अभाव में जो है सो लागू हो जाएगा, इस समझौते के अभाव में लागू हो जाएगा, ठीक। तो अब डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं, कि क्या है डिफिनीशन
पार्टनरशिप बिजनेस का। तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन। तो साझेदारी अधिनियम में इसका डिफिनीशन दिया गया है। क्या डिफिनीशन है? तो साझेदारी अधिनियम सेक्शन 4 जो है, सो धारा नंबर 4 किसका, तो ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें साझेदारी अधिनियम 1932 में दिया गया है परिभाषा। आपको पहले से पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता दूं, शॉर्ट में बताता हूं कि कोई भी अधिनियम जो है सो कब बनता है। पहले वो बिल ड्राफ्ट किया जाता है, एक बिल ड्राफ्ट किया जाता है, और उसके बाद वो बिल जो है सो लोअर हाउस में और अपर हाउस में, लोअर हाउस और अपर हाउस से पास करवाया जाता है, ठीक। और फिर उस पे प्रेसिडेंट, उस जब वहां से पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट से सहमति ली जाती है, एसेंट लिया जाता है, और उनसे एसेंट मिलने के बाद वही जो बिल है वो एक्ट हो जाता है, और वो उस तरह से अधिनियम जब बन जाएगा तो वो लागू हो जाता है। तो साझेदारी संस्था के लिए जो अधिनियम बनाया गया है वो है साझेदारी अधिनियम 1932। अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का विवाद होता है तो उस विवाद में जो है सो साझेदारी अधिनियम के सारे प्रोविजंस लागू हो जाते हैं। अगर आपके बीच में आपसी समझौता नहीं है तो वहां पर साझेदारी अधिनियम 1932 का प्रोविजंस लागू हो जाएगा। अब देखते हैं डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन देखा जाए, डिफिनीशन है कि द रिलेशन बिटवीन टू और मोर, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये डिफिनेशन दिया गया है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा नंबर 4 में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है और जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभ को, जिन्होंने किसी ऐसे बिजनेस के लाभ को आपस में बांटने का एग्रीमेंट किया हो, ठहराव किया हो, जो उन सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, सबके द्वारा बाय ऑल, सबके द्वारा बाय ऑल या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित, एनी वन ऑफ देम सबके द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है सबके बिहाफ पर, ओके। और यह एक रिलेशन है बिटवीन टू, दो या दो से अधिक, मोर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, ठीक है, जो कि सहमत हुए हैं। किस लिए सहमत हुए हैं? शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। क्या बांटने के लिए? तो प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। प्रॉफिट किसका? बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए आपस में सहमत हुए हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति। यह परिभाषा जो है सो दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 में। तो जैसे ही यहां पर दो व्यक्ति हो जाते हैं या दो से अधिक हो जाते हैं, तो दो या तीन भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम मैं आपको अभी बता दूं कि मैक्सिमम जो है सो 50 होता है। आगे हम और देखेंगे। तो ये सभी लोग मिलकर कैपिटल लगाते हैं व्यापार में, पूंजी लगाते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस को, सेवा देते हैं या पूंजी देते हैं या दोनों देते हैं। और ये लोग जो व्यापार करते हैं, इनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इनका प्रॉफिट्स कमाना और उसको आपस में क्या करना? शेयर करना, बांटना, ठीक है। तो यह एक व्यक्तियों का एक संघ है, ये व्यक्तियों का क्या है? संघ है, ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है। अकेला कोई खुद के साथ कोई एग्रीमेंट तो कर नहीं सकता, तो और इसलिए ग्रुप ऑफ पर्सन है।
तो जो भी लाभ ये कमाएंगे ये लोग मिलकर, और तो लाभ को आपस में बांटेंगे और व्यवसाय की स्थापना इसी उद्देश्य से करेंगे, और जिसे सभी मिलकर या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। तो इस तरह से साझेदारी संस्था में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं, यहाँ पर जो भी व्यक्ति शामिल है, जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी और सी, तो साझेदारी संस्था में यहाँ जो भी व्यक्ति शामिल है ये व्यक्ति जो है सभी लोग पार्टनर कहलाते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं वो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से ये पार्टनर कहलाते हैं। ये भी पार्टनर है और ये भी पार्टनर है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से ये सभी क्या कहलाते हैं, सामूहिक रूप से ये कहलाते हैं फर्म, पार्टनरशिप फर्म। तो व्यक्तिगत रूप से ये क्या कहलाते हैं, पार्टनर, और सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं। और जिस नाम से ये साझेदारी व्यवसाय जो है, ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, वो जिस नाम से किया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं, नेम ऑफ द फर्म। तो ये अपना बिजनेस का एक नाम रखेंगे सभी मिलकर और उसी नाम से बिजनेस को कैरी करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि साझेदारों का जो अस्तित्व होता है, साझेदारी फर्म का जो अस्तित्व है, इसके सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। साझेदारी फर्म का जो अस्तित्व है उसके सदस्यों से भिन्न नहीं होता है, जो कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर 1 में बताया, जहां पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था वहां पर कि किस तरह से साझेदारी फर्म का अस्तित्व उनके मेंबर्स से भिन्न नहीं होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले आपको बता दिया है। सो इस तरह से हमने देखा कि क्या परिभाषा होती है साझेदारी संस्था की और साझेदार की और फर्म की, ठीक है। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कुछ इसके फीचर्स के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।